गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 11, चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ फूड. ठीक है, खाने की मतलब खाने में जो ट्रेंड्स में चेंजिंग आ रही है वो सारी. गुरजीत अलॉन्ग विद हिज ग्रैंडफादर, हिज अंकल एंड हिज फ्रेंड हरमन वॉज वॉचिंग एन एग्रीकल्चर प्रोग्राम ऑन टेलीविजन. गुरजीत जो था अपने दादाजी के साथ, अपने अंकल और उसका फ्रेंड हरमन सबके साथ बैठ के टीवी के ऊपर एग्रीकल्चर प्रोग्राम देख रहा था. हिज फैमिली इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, उसकी फैमिली जो थी वो खेती बाड़ी पर डिपेंड थी. हिज ग्रैंडफादर एंड अंकल डू फार्मिंग, उसके दादाजी और अंकल क्या करते थे, खेती बाड़ी फार्मिंग करते थे. हिज ग्रैंडफादर डिड फार्मिंग विद बुल्लॉक्स, उसके जो दादाजी थे कहता वो फार्मिंग करते थे विद बुल्लॉक्स मीन्स बैलों के साथ. हिज अंकल इज एक्सपर्ट इन फार्मिंग विद ट्रैक्टर, और उसके अंकल ट्रैक्टर के साथ एक्सपर्ट थे. द प्रोफेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द विलेजर्स इज ऑल्सो एग्रीकल्चर, कहता ज़्यादातर विलेजर्स का, गाँव वाले लोगों का प्रोफेशन जो होता है वो एग्रीकल्चर ही होता है. The people of the village do not have much cultivated land. गाँव के लोगों के पास कोई ज़्यादा cultivated land नहीं होती. They earn much from the little land with the help of their family. अपनी family की help से वो अपनी थोड़ी सी ज़मीन से ही अपने लायक कमा लेते हैं. As they own less land, अब उनके पास कम ज़मीन होती है, they have to work on tenanted land. ठीक है, तो उनको दूसरे किराए की ज़मीन पे लाइक किसी और के खेतों में काम करना पड़ता है. As seeds, agriculture tools, fertilizer, pesticides, cheap loans can got from the cooperative societies. उनको farming करने के लिए loans मिल जाते हैं, अच्छे agriculture tool मिल जाते हैं, pesticides मतलब जो चीज़ें उन्हें needed है. Besides agriculture, they do other subordinate businesses such as rearing livestock, fishing, beekeeping and mushroom harvesting to earn their livelihood. और कहता एग्रीकल्चर के अलावा वो क्या करते हैं, पशु पालते हैं, मछली पकड़ते हैं, मधुमक्खियाँ पालते हैं, मशरूम हार्वेस्टिंग करते हैं ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके. दे ऑल्सो ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसे वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं. दे आर गिवन नॉलेज एंड ट्रेनिंग अबाउट दीज वर्क्स बाय द कृषि विज्ञान केंद्र एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उनको इन सारी बातों की जो है जानकारी मिलती रहती है और ट्रेनिंग मिलती रहती है. हिज मदर एंड हिज ग्रैंडफादर आल्सो मेक एंड सेल पिकल सॉस स्पाइसेस एंड मुरब्बा, उसकी जो गुरजीत की मदर है कहते वो क्या करती हैं, बनाती भी हैं और बेचती भी हैं अचार सॉस मसाले मुरब्बा, ये सारी चीज़ें बना के बेचते हैं. दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ पेट एनिमल्स, अपने पालतू जानवरों की वो देखभाल करते हैं. इन दिस वे इस तरह दे अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, और वो हर साल इस तरह बहुत सारा प्रॉफिट कहता अर्न करते हैं. द फार्मर्स हु डू नॉट हैव देयर ऑन लैंड, जिन फार्मर के पास अपनी लैंड नहीं होती, गो टू द फील्ड ऑफ अदर फार्मर्स, तो वो दूसरे फार्मर के खेतों में जाते हैं टू प्लक चिलीज पोटैटोज कॉटन वेजिटेबल्स फ्रूट एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को लेने के लिए. दे ऑल्सो लुक आफ्टर द गार्डन्स ऑफ अदर फार्मर्स, और बाकी फार्मर्स के गार्डन्स की देखभाल करते हैं. इन दिस वे इस तरह से दे अर्न लिवलीहुड फॉर देयर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए वो रोजी रोटी कमाते हैं. नेक्स्ट है, दादी जी टोल्ड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फार्मिंग एवरी वेयर इन अर कंट्री, कहता दादाजी ने मुझे बताया कि हमारे देश में हर जगह फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं है. बिकॉज समवेयर देयर आर हिल्स, समवेयर रिवर्स एंड स्ट्रीम, समवेयर डेजर्ट्स एंड समवेयर देयर आर फॉरेस्ट, कि कहीं पे पहाड़ियाँ हैं, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे सूखा पड़ा है, कहीं पे रेतीली ज़मीन है, या कहीं पे जंगल है. तो ऐसे हर जगह, हर कंट्री में, सॉरी अपनी कंट्री में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम फार्मिंग नहीं कर सकते. वेरियस क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉयल एंड क्लाइमेट, कहता अलग अलग टाइप की क्रॉप्स जो हैं अलग अलग स्टेट्स में होती हैं वहाँ की सॉयल और क्लाइमेट के टाइप के अकॉर्डिंग. पंजाब इज़ एन एग्रीकल्चर स्टेट, पंजाब खेती बाड़ी का स्टेट है. इट इज़ ईजी टू डू फार्मिंग हेयर एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, यहाँ पे फार्मिंग करना बाकी स्टेट्स के कंपेरेटिवली कहता ईजी है. मॉडर्न टूल्स फॉर फार्मिंग, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन एंड प्रोडक्टिव लैंड आर अवेलेबल हेयर, यहाँ पे कहता अच्छी लैंड, इरीगेशन के बहुत सारे मेथड्स और फार्मिंग करने के लिए जो मॉडर्न टूल्स हैं वो भी अवेलेबल है ईजीली. बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू फार्मिंग इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया
एग्जाम्पल महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, लेकिन कहता महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में फार्मिंग करना बहुत मुश्किल है. मैनी टाइम्स द क्रॉप्स आर डैमेज्ड देन देयर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल और ड्राउट. वहाँ पे कहता बहुत बार ऐसा होता है कि सारी क्रॉप जो होती है डैमेज हो जाती है, या तो कई बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और या कई बार सूखा पड़ जाता है. सो द फार्मर रिमेन अंडर हैवी डेब्ट. देयरफॉर दीज फार्मर्स अर्न देयर ब्रेड बाय डूइंग एग्रीकल्चर और अदर जॉब्स विद देयर फैमिलीज इन पंजाब और अदर स्टेट्स. तो इस तरह से जब उनकी फसल सारी कहता ख़राब हो जाती है तो उनको और कुछ काम करना पड़ता है अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, पंजाब या किसी और स्टेट में जाके उनको रहना पड़ता है. यहाँ पे शो किया हुआ है कि कैसे यहाँ पे सूखा पड़ा है और कैसे यहाँ पे बारिश वगैरह की वजह से, ठीक है जी, वो है अपनी फसल ख़राब हो रही है. समटाइम्स द फार्मर्स फ्रॉम सम विलेजेस ऑफ पंजाब शिफ्ट टू दी अदर विलेजेस टेम्प्रेरी विद द फैमिली टू प्लक कॉटन और फ्रूट्स. कहता कई बार पंजाब के कुछ गांव के लोगों को दूसरे गांव में शिफ्ट किया जाता है टेम्प्रेरली. क्यों किया जाता है? ताकि वो वहां जाके कॉटन और फ्रूट्स तोड़ सके. इन दिस वे द स्टडी ऑफ देयर चिल्ड्रन इज ऑल्सो इफेक्टेड. इस तरह से उनके बच्चों की स्टडी पे इफेक्ट पड़ता है. दे रिमेन बैकवर्ड इन स्टडीज एज कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रन. और इस तरह से वो पढ़ाई में कहता पीछे रह जाते हैं बाकी स्टूडेंट्स के कंपेरेटिवली. अंकल गॉट एन एडवाइस फ्रॉम द grandfather अबाउट द न्यू सीड्स ऑफ वीट. अंकल ने grandfather से एडवाइस ली न्यू सीड्स ऑफ वीट की. द grandfather said that the seeds got from the wheat grain of last season are very productive. तो grandfather ने बताया कि जो सीड्स हमें वीट से मिले हैं, पिछले साल के वीट ग्रेन से मिले हैं लास्ट सीजन के, वो बहुत प्रोडक्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं. They had kept the old seeds in drum after cleaning and drying them. तो उन्होंने कुछ सीड जो हैं वो बचा के ड्रम में रख लिए हैं, उनको क्लीन करके और उनको सुखा कर. Therefore, they will sow old seeds along with the new ones. इसलिए वो क्या करेंगे, नए सीड्स के साथ पुराने सीड्स भी उगाएंगे. On Saturday, Uncle brought the purified seeds from Punjab Agriculture University, Ludhiana. फिर सैटरडे को अंकल जो थे प्योरीफाइड सीड्स लेके आए, कहाँ से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लुधियाना में जो है. आपने सुना होगा बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है PAU, तो वो हमारे लुधियाना की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है फार्मिंग के लिए. यहाँ पे बहुत अच्छे सीड्स वगैरह मिलते हैं उनको, फार्मर्स को, उनकी फार्मिंग करने के लिए.